सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लाइफ में सक्सेस के बारे में, करियर ग्रोथ के बारे में, मनी के बारे में और बिजनेस से रिलेटेड मेन क्वेरी जो है पैसा सेविंग नहीं होता, इन सब के बारे में सबसे पहले बताते हुए आने वाले फ्यूचर और ओवरऑल हैंड का एनालिसिस इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले आपकी लाइफ लाइन से कंसर्न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लाइफ लाइन पर सबसे पहले फोकस डालें। तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन स्टार्टिंग में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, तो थोड़ा सा टफ फेस स्टार्टिंग लाइफ में कहीं ना कहीं आपका रहा है। और इसके बाद माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 22-23 एज के अप्रोक्स में इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं करियर की स्टार्ट भी इसी एज के आसपास में आपकी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फ्लो है, इस प्रकार से बहुत अच्छा एक कर्व लेते हुए फिर शुक्र की तरफ झुक रहा है फाइनली। तो जब इस प्रकार से जब लाइफ लाइन दूर जाती है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग को ही इंडिकेट करता है। आपका जो सेटलमेंट रहेगा लाइफ का, वो आपके बर्थ प्लेस से दूर है। और एट द एंड जैसे ये शुक्र के क्षेत्र पे वापस से जुड़ रही है, तो ये बता रही है कि वापस आप एट द एंड, मतलब बहुत अभी टाइम है कि वापस से आप अपने होम टाउन पर जाएंगे। और होम टाउन पर रहना, वहाँ पर ही विजिट करना, आपका कहीं ना कहीं मन भी जो है अपने होम टाउन की तरफ ही ज़्यादा है। क्योंकि जब लाइफ लाइन का कर्व जितना भी घूम करके अगर शुक्र के नीचे आ जाए, तो व्यक्ति फैमिली से दूर नहीं रह पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पर आपके राहु रेखा, ये देखिए अफेक्ट की है। ये जो राहु रेखा काटी हुई है, ये जो एज है यहाँ निकल के आता है 26 से 28, यानी अप्रोक्सीमेटली, और इस लाइन का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 साल है। तो 26 से 29 का फेस कहीं ना कहीं आपका टफ में रहा है, किसी ना किसी प्रकार का लॉस, ट्रबल और थोड़े मुसीबतों का सामना कुछ ज़्यादा ही आपने किया है। दूसरी जो यहाँ राहु रेखा है, वो आपकी यहाँ पर जो निकल के आ रही है, ये तकरीबन आपका अभी के टाइम पे है, यानी ये आपको 33 से लेकर के 35-36 के एज तक, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 2 से 2.5 साल तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस एज में भी आपके जो है लॉसेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपकी क्वेरी थी कि वापस से आप जनवरी से जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं उसके लिए ना तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी जो है ट्रबल ऐसी मुझे शो हो रही है। मेरा काम है आपको सही गाइड करना, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा किसी न किसी वे में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अभी सबसे बेस्ट बात यह है कि स्टार्टिंग में जब ये वाली राहु रेखा थी, तब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट सहयोगी रेखा नहीं थी, लेकिन फिलहाल के टाइम में एक से अत्यधिक आप देख पा रहे हैं कितनी सारी मात्राओं में सहयोगी रेखा मौजूद है। और सबसे मेन, आपके लाइफ लाइन से ही एक शाखा निकली हुई है, तो ये स्पाउस के भी सपोर्ट को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को भी बताता है। तो जैसे अभी के टाइम पे भी जो ट्रबल आएगी, उसको आप इजीली फेस कर पाएंगे और उससे यहाँ पर उबर पाएंगे, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के चांसेस ब्राइट है। तो लाइफ में कुछ पाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल आप रिस्क लीजिए। मैं इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा राहु के, तो उस कारण से जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक टल जाएगी। और फिलहाल में ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको सपोर्ट जो है हर तरफ से मिलेगा, लोगों का मिलेगा, ऊपर वाले का मिलेगा, किसी ना किसी वे में जब भी आप डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम में फंसेंगे, कोई ना कोई आएगा आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा। गार्जियन एंजल की लाइन ही यही होती है। इसके बाद ये होता है शुक्र का एरिया। शुक्र के एरिया से हल्की हल्की सी रेखा यहाँ करके लाइफ लाइन को जो है अफेक्ट कर रही है, तो ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होने वाले जो टेंशन है, उसको ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद जाकर के एक छोटी सी लाइन निकली हुई है, सक्सेस की लाइन है ये। तो ये जो एज है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा लेटर एज हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 42 के एज में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो है टेंशन ख़त्म होगी और सक्सेस मिलने वाला रहेगा। उसका जो एक और लाइन निकली है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 52 के एज में है, देन एक और निकली है वो 64 के एज में है। तो लाइफ में ग्रोथ तो है आपकी अच्छी खासी, और खुद के दम पे ही आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, यानी ये जितनी लाइन है ये सेल्फ मेड लक लाइन है। तो आप अपने खुद के मेहनत और खुद की काबिलियत से लाइफ में अच्छी ग्रोथ करने वाले रहेंगे। दूसरी क्वेरी ये है कि पैसा अच्छा रहता है लेकिन रुकता नहीं है। देखिए रीज़न क्या है कि फेट लाइन आपकी कंपेरेटिवली नॉर्मल है यहाँ पे, और मतलब इसको हम अच्छी ही फेट लाइन मानेंगे, माइंड लाइन भी ठीक है, लेकिन जो मरकरी लाइन है वो ये देखें यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है, और इसके बीच में ये गैप है। तो इस कारण से लाइफ में धन बहुत अच्छा रहता है लेकिन रुक नहीं पाता है।
धन आने के पहले जाने के 10 माध्यम खुले रहेंगे, और बेसिकली आपका हाथ भी बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। जहाँ 5 रुपये में डील हो सकता है, वहाँ 50-50 कर देंगे। और एक प्रकार से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल नेचर भी है, क्योंकि हार्ट लाइन के अकॉर्डिंगली यही देखने को मिल रहा है। तो आपके अंदर एक जो अपनापन है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप ये सोचते हैं कि मैं खुद अकेले के लिए नहीं करना चाहता, मैं पूरे फैमिली को लेकर के चलना चाहता हूँ। तो इस कारण से वो भी एक जो है मनी लीकेज का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है इस कारण से आपके पास धन नहीं रुक रहा है। तो मनी स्टोरेज के लिए आपको क्या करना है कि जो मनी आता है लाइफ में, अभी बहुत सारे ऐसे लाइफ में आपके अपॉर्चुनिटीज आएगी कि सडनली बहुत अच्छा अवसर आपको मिल जाए, अचानक से बहुत कुछ अच्छी खासी मात्रा में धन आ जाए। तो उस धन को आप फटाफट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, फिक्स कर दें, या किसी ऐसे के हाथ में दे दें जिस पर आपको ट्रस्ट हो। जैसे स्पाउस अगर उनके हाथ में मनी ट्रायंगल प्रॉपरली है, वो अगर बचा सकते हैं तो उनको दीजिए। तो ये क्या होता है कि ऐसे क्या मनी का स्टोरेज प्रॉपरली हो जाता है। लेकिन अगर आपके जेब में रहा या हाथ में रहा तो सुबह अगर 1,00,000 रुपये है, शाम को पूछे कहाँ गया, नहीं बता पाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो है 2 मेन जो आपकी क्वेरीज थी कुछ इस प्रकार से रहेगी। और जो मेन क्वेरी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगा, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहाँ जो फेट लाइन है वो कंटिन्यूस आपका चल रहा है। प्लस लाइफ लाइन से भी एक प्रोग्रेस लाइन निकली है, उसके बाद भी आपके और भी प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। प्लस मरकरी लाइन भी है, सूर्य रेखा भी है, सहयोगी रेखा भी है। तो ये जो सारे के सारे ये जो रेखाएं हैं, ये सब के सब धन ही तो बता रही हैं। तो मनी आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। बस स्टोरेज के कारण थोड़ी आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, या फिर पड़ आगे भी सकती है, लेकिन देखा जाए तो धन जीवन में आपका अच्छा है। तो अब आते हैं ओवरऑल हैंड के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में यहाँ पर लॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छे एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को बताता है। हर काम को प्रीप्लान तरीके से करना, सोच विचार के करना, ये नेचर है आपके अंदर। और एक प्रकार से सप्लीमेंट्री भी आप लेकर के चलते हैं कि एटलीस्ट अगर ये काम नहीं हुआ तो दूसरा तो हो ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों के अंडर में रह करके भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और अपने अंडर में दूसरों को रख करके भी अच्छा काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है आपके, तो आपके अंदर पंचुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। किस व्यक्ति से कैसे डील करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो है बहुत साफ सुथरी तरीके से देखने को मिल रही है। तो एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर है आपका, रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी बात, आपको रॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा पसंद रहेगी, सोसाइटी में स्टेटस की कामनाएं आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नेम फेम की चाहत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक या फिर क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ बाय बर्थ ही आने वाली रहती है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मुझे देखने को मिल रही है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को बता रहा है। तो हर परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल लेने में आप सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट फिंगर है, इसकी भी लेंथ जो है शॉर्ट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को लेकर के आप टेंस्ड ज़्यादा रहने वाले रहेंगे, और फैमिली लाइफ से एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी, ये दोनों ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट फिंगर यानी तर्जनी की लेंथ इस प्रकार से कम होती है, तो दिक्कत क्या आ जाती है कि आप जितना भी कुछ कर दें फैमिली के लिए, लेकिन क्रेडिट मिल पाना कम है, यानी बेनिफिट्स वहाँ से मिल पाना थोड़ा सा कम रहेगा। तो मेरे किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा काम ही है आपको सही गाइड और सही जानकारी देना, ताकि आप एटलीस्ट जो फैक्ट है वो जान सकें। यहाँ पर जो थंब है उसकी साइज़ भी कम है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को इंडिकेट करता है। प्लानिंग के अंदर जो बार बार आप फेवरेबल चेंजेस को लेकर कहते हैं, उसको ये यहाँ पर दिखाता है, यानी फ्लेक्सिबल नेचर है आपका, बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, किसी को ज़्यादा दिल पर नहीं रखते, ये भी दिखता है। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में आए, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपको प्योर रेक्टेंगुलर है, तो हार्ड वर्किंग नेचर है आपका, आपको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना बहुत जो है ये नेचर है आपका। और यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर देखें तो एक प्रोग्रेस लाइन पहुँची हुई है, तो कहीं ना कहीं एम्बिशियस नेचर भी है आपके अंदर, और अपने एम्बिशन को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि अपनी सोच को कभी भी अपने बेसिकली सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अदरवाइज यहाँ पर देखा जाए तो आड़ी रेखा आपको धार्मिक बनाएगी, और धार्मिक जो क्रियाकलाप होती है जैसे दान पुण्य धर्म कर्म के जो कार्य होते हैं, वो सब आप अपने जीवन में ज़्यादा करेंगे, सोशल वर्क भी करेंगे, एनजीओस के काम भी करेंगे, और ऐसे सारे वर्क करेंगे जिसमें इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान और धर्म का जो काम होता है वो सारी चीज़ें, और आपको आपके धर्म जो भी आपका धर्म कष्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान भी अच्छा रहेगा। शनि पर्वत पर
एक जो डिमेरिट है वो यही है कि यहाँ रेखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने को इंडिकेट करता है। आपके पास हर चीज़ होगा लाइफ में, हर चीज़ आपके पास रहेगा, लेकिन तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ कमी खटकती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ये शनि के कारण। शनि पर जब रेखा नहीं पहुंच पाती है तो संतुष्ट जो है व्यक्ति अपने जीवन में नहीं होता है। यहाँ पर सूर्य के ऊपर आए तो सूर्य रेखा यहाँ पर कंपेरेटिवली ठीक है आपकी, और यहाँ पर जो वी सिंबल नीचे की ओर बना है तो एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदी रहते हैं, जैसे जॉब के साथ बिजनेस, तो कहीं ना कहीं माइंड जो है दो जगह डाइवर्ट होता है, और आपके अंदर बेसिकली जो एक मैनेजरियल स्किल है वो बहुत अच्छी है, तो इस कारण से आप ये दोनों काम अच्छे से संभाल सकते हैं, जिसके कारण ये रेखा एक हो गई है जो कि लाइफ को में होने वाले सक्सेस को इंडिकेट कर रही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइफ ट्रबल में था और थोड़ा सा स्ट्रगल भी ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस लाइफ में आपको अच्छा मिलेगा। मरकरी जो माउंट है ये थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, तो बहुत सारी बातों को आप मन में ही दबा लेते हैं, सामने वाला बुरा ना मान जाए इसलिए शायद आप नहीं बोलते हो, लेकिन यहाँ पर जो जैसे ये सीधी खड़ी रेखा है ये बहुत अच्छे आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो ये बेसिकली मेडिकल सिग्माटा होता है। इसको मेडिकल सिग्माटा इसलिए कहते हैं कि आप जैसे लोगों में हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी होती है, किसी डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से प्रभावित कर देना, कन्वेंस कर लेना, वर्क जो मैनिपुलेशन है वो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी बिजनेस के जो सारे गुण हैं आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति हमेशा हंसमुख हास्य कवि नेचर को बताता है, तो हर परिस्थिति में खुश रहना, सामने वाले को भी खुश रखना, ये आपके नेचर में ही है। और हृदय रेखा इस प्रकार से गुरु से कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के हैं आप, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ही अधिकतर आप निर्णय लेते हैं, और बहुत जल्दी किसी से लगाव हो जाना, बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, और लविंग केयरिंग इस प्रकार का बेसिकली आपका नेचर है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिली नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो वी सिंबल भी है, यानी विष्णु सिंबल है, तो स्टार्टिंग लाइफ अगेन दिख रहा है कि थोड़ी ट्रबल में थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है सक्सेस भी अच्छा मिलता है। एक रेखा आकर के इस प्रकार से मर्ज भी हुई है यहाँ पर आपके माइंड लाइन में, तो ये एक एक प्रकार से थोड़ा सा फेट से रिलेटेड तकलीफ को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है, जो कि है ही आप में, और थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा एग्रेसिव भी जो है यहाँ पर आप शो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हालांकि इन सारी चीज़ों में आपका कंट्रोल अभी अच्छा है, और पहले आप दिल और दिमाग से जो है बेसिकली बहुत कम सोचते थे, जब इंडिपेंडेंट हुए तो दिमाग का भी उपयोग आपका प्रॉपरली होने लग गया है, सेल्फ मेड जो डिसीजंस हैं वो सारी चीज़ें में बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है। यहाँ पर देख पाएँ तो जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है और लॉन्ग भी है, तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी है, कोई भी चीज़ नई चीज़ आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पुरानी से पुरानी बातें याद रख सकते हैं, यानी मेमोरी भी आपकी शार्प है। साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप, सीधे रूप से बोलना विचारना इस प्रकार का नेचर है आपका। और यहाँ पर जो है माइंड लाइन स्ट्रांग होने के कारण हर परिस्थिति का सामना डट करके आप करने वाले भी रहेंगे। लाइफ लाइन की मैं बात कर ही चुका हूँ, उसके पैरेलल चलने वाली ये गार्जियन एंजल लाइन अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करती है। मंगल से आने वाली ये रेखा थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन देखा जाए तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन ठीक रहेगा, मानसिक बल भी आपका अच्छा है। और शुक्र की जहाँ तक बात करूँ तो शुक्र अच्छा खासा एरिया ले रहा है, तो ये थोड़ी सी कामुकता तो देता ही है, लेकिन अगर अगर बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे तो ये लग्जीरियस लाइफ को भी बता रहा है, अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, अच्छा स्वास्थ्य, खर्चीलापन, इन सब को भी बताता है। तो शौकीन किस्म का नेचर है, और हर प्रकार के शौक हरवानों को भी आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, और जो यहाँ आड़ी रेखा है ये अननेसेसरी वरीज है, तो जितना हो सके नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग आप करने से बचिए। और ये जो आपको ओवर थिंकिंग है यानी अननेसेसरी वरीज है, ये फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, तो जितना हो सके इसको इग्नोर ही करिए, तो अभी के फ़िलहाल के टाइम के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली रहेगी। इसके बाद जो केतु माउंट है, केतु माउंट यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका ठीक देखने को मिल रहा है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। और यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली ये रेखा सारी की सारी बिजनेस लक लाइन है, जो व्यापार के क्षेत्र में अच्छी प्रोग्रेस को भी इंडिकेट कर रहा है, प्लस हेल्थ में भी अच्छे इम्प्रूवमेंट को बता रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा है तो मदर से आपका अच्छा कनेक्शन रहेगा, शादी के बाद अच्छा आपको प्रोग्रेस मिलेगा, वाइफ सपोर्ट, वाइफ अटैचमेंट भी अच्छा रहता है, और बेसिकली बर्थ प्लेस से ही दूर मिलता है सक्सेस जिनका मून लक लाइन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मून लक लाइन है तो घर बार से दूर बाहर ही आपको अच्छा लगेगा और प्रोग्रेस भी मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।